दोस्तों आज जादू होगा काला जादू। अच्छा आराम से बैठ जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ये वाला नहीं। मैं सारी रात आपके साथ हूं, बस आप मेरे साथ हो ये मुझे पता नहीं। दोस्तों आज होगा काला जादू और आप लोगों को बैठ के आराम से खड़े होके देखना होगा। पीछे जो यहाँ पे ऐसे लग रहा है सब्जी खरीदने के लिए आए हुए लोग, वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, सेटल हो जाए। ओके शांत गदाधारी भीम, शांत बस कर रहे यार। यहाँ इससे आगे क्या आएगा मेरे भाई? ये लड़का मेरे को कहता डॉक्टर साहब दूर का दिखाई नहीं देता। मैंने कहा पास जाके देख लिया कर, जब टांगे ठीक है तो जाके देख ले। ओके अभी मैं आपको जादू दिखा रहा हूँ। शांत, जादू है कोई मजाक नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं, लेकिन आज यहाँ कोकराझर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक कान से सुनते हैं कहाँ से निकलता है। ये देखिए दोस्तों काला जादू। मैं एक सपेरे का बेटा हूँ। जादू दिखा रहा हूं। ओके एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं, लेकिन अब एक कान से सुनेंगे कहां से निकलेगा। यहां देखिए कोकराझर में मेरे दोस्तों। एक बार और मांगता है। ये डॉक्टर सपेरे का बेटा अभी आग से खेलेगा। ये लाइट थोड़ी धीमी करो, लाइट डाउन। आग से खेलेगा ये सपेरे का बेटा। दोस्तों दुनिया से पानी खत्म होने लगा है। क्यों खत्म होने लगा है दुनिया से पानी, कभी सोचा है? ये सपेरे का बेटा आपको बताएगा, ये डॉक्टर आपको बताएगा, क्योंकि अब लिफाफे पानी पीने लगे हैं। दोस्तों कोकराझर वालों लिफाफा पानी पीता है। ये देखिए लिफाफा और ये देखिए पानी, पूरा पानी ये पी जाएगा। ये लिफाफे में मैंने पानी, एक मिनट, इतना सा चलता लीक, ज्यादा तो क्या हो गया है? एक मिनट है। ओके ये लिफाफे में पानी डाला मैंने और ये देखिए पी गया। दो चार बूंद का डिस्काउंट चलता है। थोड़ा पानी है अभी तो ना, दुनिया में सारे थोड़ी लिफाफा पी रहे हैं।
ओके ये देखो और पानी डाला, ये देखो इतना पानी डाल रहा है डॉक्टर, और ये देखिए पी गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखो सारा पानी लिफाफे पी रहे हैं आजकल। सॉरी लिफाफे नहीं पी रहे, डायपर पानी पी रहे हैं। मेरे को लगा था कि लिफाफे पी रहे हैं, बरबर डायपर पी रहे हैं। बट दोस्तों कोई बात नहीं, मैं सपेरे का बेटा ही नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, एंड एज अ डॉक्टर एंड इट इज अ बिजी डे। या आई वुड लाइक टू कॉल माय नर्स, आपको मैं अपनी नर्स से मिलवाता हूँ। नर्स डॉक्टर साहब, हेलो बेबी, कम ऑन, तेरी मासी की शादी नहीं हो रही है यहाँ पे, मेरी नर्स है, कोई यहाँ पे श्री देवी जी नहीं आई है। बस सब ओके डॉक्टर साहब, एक पेशेंट की हालत बहुत खराब है। हाय, हमसे ज्यादा खराब तो नहीं है, आपको देख के तो बहुत लोगों की हालत खराब हो रही है। पेशेंट की हालत खराब है, क्या हुआ उसको बताओ? उसको ना सांस नहीं आ रहा है। सांस नहीं आ रही है तो उसको बाहुबली आ रही है उसकी। चलो हाँ, सांस नहीं आ रही है तो सांस ले क्यों रहा है? दो दिन सांस नहीं लेगा तो मर नहीं जाएगा उसको, तो जब सांस आएगी तो ले लेगा ना। आप समझ नहीं रहे हो, लेडी अच्छा। पेशेंट है, लेडी पेशेंट है, लेडी पेशेंट को सांस नहीं आ रही। ओहो चलो उसको माउथ टू माउथ सांस देके उसकी जान बचाते हैं, आ जाओ। ठीक ही रहेगा ना, वैसे भी लेडी मोटी है और बुजुर्ग भी। नहीं है तो लेडी बुजुर्ग है तो फिर ना मैं क्या लेडीज को मुंह नहीं लगाता, हम वाया वाया कर लेते हैं, मैं तुमको सांस देता हूँ तुम उसको सांस दे दो, आ जाओ उसकी जान बचाए, आ जाओ आ जाओ। तुम लेडी नहीं, तुम तो फिर ब्यूटीफुल में आ गई ना पागल, समझे नहीं, तो फर्क होता है। आप समझ नहीं रहे, पेशेंट कह रहा है कि वो नहीं बचेगा। अच्छा नहीं बचेगा, जब उसे पता है नहीं बचेगा तो फिर हमारा टाइम वेस्ट करने क्यों आया यहाँ पे? कॉन्फिडेंस, नहीं मेरा कॉन्फिडेंस ना गिरता है ना इस चीज से, कॉन्फिडेंस क्या? आप विराट कोहली है जो पेशेंट्स आपको चीयर अप करेंगे? नहीं मैं विराट कोहली तो नहीं हूँ, बट आई एम डॉक्टर एंड पेशेंट मुझे वैसे भी चीयर अप करना पसंद करते हैं, नो प्रॉब्लम। पेशेंट को बताओ क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट को ना पेट में बहुत प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, पेट हम पेशेंट का ठीक कर देंगे, पेशेंट से कहो कि तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी हाइट 2 फीट कम हो जाएगी। वो कैसे? हम उसका पेट ही काट देंगे ना, फेफड़ों के बाद टांगे शुरू हो जाएंगे, ना रहेगा पास ना बजेगी पास रही, इज दैट ओके? आप समझ नहीं रहे, वहाँ पेशेंट की बहुत हालत खराब है, डॉक्टर्स कहाँ से वहाँ पहुँच गए, कितना कॉम्पिटिशन है। अरे कॉम्पिटिशन का तो ऐसा, यहाँ के जो डॉक्टर है ना वो लीवर टेस्ट का लेते हैं 1500 रुपए, मैं 500 रुपए में कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 5 बियर की बोतलें रखता हूँ, एक बोतल बियर की पी जाए उल्टी आ जाए तो लीवर खराब है, 5 की 5 पी जाए तो मतलब लीवर ठीक है, 5 पीने के बाद एक। सर हेलो, तूने भी तेरा भी टेस्ट हुआ है क्या लीवर का? बंदर है। ओके अगर 5 पीने के बाद कहे डॉक्टर साहब मेरा और टेस्ट करो, मुझे एक बोतल और पीनी है, तो इसका मतलब है कि वो लीवर टेस्ट नहीं कराना है, वो कोकराझर का कोई आदमी है, वो कौन सा हुआ मजे लेने के लिए। और अगर वो मैं नहीं पीता कह के 2-3 बोतलें पी जाए तो समझे वो टांग से आया हुआ है, तो ये चक्कर होता है। टेस्ट कर लेते हैं, पेशेंट का टेस्ट तो करते ही है, एक उंगली पकड़ो ये वाली, तो ठीक है उसका कान का टेस्ट करेंगे, ईयर टेस्ट। प्रॉब्लम पेट में है, कान टेस्ट क्यों? तो तुमने उंगली कान की पकड़ी ना, पेट की उंगली ये थी पागल।
अच्छा तो मैं फिर से पकड़ूं? नहीं, फिर से नहीं, एक ही बार पकड़ सकते हैं, यही तो गेम है। यार तू कहाँ का कवाल आया, जब मैं कहता हूँ वाह वाह कहीं जा रहा। जी भाई मैं एक काम करते हैं, मुझे ना यहाँ कोकराझर में आया हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने कामयाब लोग हैं, इतना काम करते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, मैंने सुना है, और कसम से कह रहा हूँ मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है यहाँ पे आके, ना मुझे अपने घर जाके नहीं होती, इतना प्यार करते हैं लोग यहाँ पे, मैं इमेजिन नहीं कर सकता, और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत प्यार। बट लड़कों का नहीं, लड़कों ओके शट अप ओके। मैं चाहता हूँ कि कोकराझर के जितने इंटेलिजेंट और मेहनती लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि उनसे मैं कुछ ना कुछ सीख के जाऊँ। कोई कोई है जो मुझे बिजनेस सिखा सकता है यहाँ पे? आप बिजनेस सिखाएंगी? आप कैसे बिजनेस सिखाएंगी मुझे बताइए? मैं बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से हूँ। बिजनेस फैमिली जो है जी, इसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन है, एक वो हवाई जहाज होता है ना बोइंग 3737, उसकी इंजन होता है, उसकी फैक्ट्री के सामने मूली की रेड़ी लगाते हैं इसके पापा। तो वो भी तो एक तरीके का बिजनेस हुआ ना? हाँ बिजनेस ही हुआ, करेक्ट बात है। तो ठीक है, तुम क्या बिजनेस सिखाओगे? सीमेंट का बिजनेस सिखा सकती हो? हाँ बिल्कुल, है ना। यहाँ मैं आपको सिखाती हूँ कि सामान पहले बेचा कैसे जाता है। अच्छा तो तुम दुकानदार बनो। हाँ। ये तुम चश्मा क्यों लगा के आई हो आज? मुझे डॉक्टर बनना है आपकी तरह। चलो तुम मुझे बिजनेस सिखाओ, तुम ये दुकान पे हो, मैं ग्राहक हूँ, तुम मुझे सिखा रही हो कि चीज कैसे बेची जाती है, मैं तुम्हारे पास चीज खरीदने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, आइए। आया जी, एक मिनट। टिंग टॉन्ग, हमारी शॉप में बैल नहीं है, आप सीधे अंदर आइए। इतनी बड़ी शॉप खोली है, घंटी तुमने लगाई नहीं है, ये क्या मतलब है? चलो कोई नहीं, थक 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 थक। अरे दरवाजा खुला है, सीधे अंदर आइए। दुकान पे शटर लगाते हैं, दरवाजा कौन लगाते हैं? चलो कोई नहीं, आप भी आगे आ जाओ थोड़ा सा। नमस्ते जी। नमस्ते। 2 किलो सीमेंट की बोतल मिल जाएगी जी? सीमेंट बोतल में थोड़ी आता है। अच्छा सवाल गलत हो गया, मैं दोबारा आता हूँ। ना घंटी ना दरवाजा, अच्छी। नमस्ते जी। नमस्ते। 2 किलो सीमेंट बोतल में डाल के दे दो। आपका सवाल ही गलत है, आपको सामान खरीदना ही नहीं आता, आप पहले समझिए सामान खरीदा कैसे जाता है, फिर ही आप बेच पाएंगे। चलो ठीक है, आप मुझे सिखा रही हो अभी चीज खरीदी कैसे जाती है, ठीक है पहले खरीदना सीख लेते हैं, मैं हूँ डॉक्टर, मुझे क्या पता कैसे खरीदते हैं। आइए आइए, एक मिनट, हमारी दुकान पे घंटी लगी हुई है, वो दबा के हुई है, ये वाली नहीं, ये वाली लगी हुई है, बस हमारी घंटी चलाओगी अंदर। 2 किलो सीमेंट मिलेगा, बोतल लाइयो। आपसे नहीं होने वाला, मेरा आपका सवाल सुन के मन कर रहा है कि सामने 10 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगा दूं। ओ भाई दादा, यहाँ तेरे चाचा ने बनाई है 10 मंजिला बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े पेड़ है इधर, है बहुत दूर है, वो भी 5 मंजिला बिल्डिंग है, मैंने देखी है। हाँ तो 2 बार लगा दूंगी। हाय हाय, जान दे देगी पर मेरे को बिजनेस नहीं सिखाएगी। थैंक यू नर्स, थैंक यू बेबी, मिस मी, एंड कभी भी सांस की प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ। okay? सांस मांगता है, मांगता है। ओके okay. वो पेशेंट्स हैं कुछ, उनको भेजो यहाँ पे, जो मैंने नीचे से बुलाए थे जिनके टेस्ट करने थे। आइए आइए सब लोग आइए। कैन वी हियर फॉर दिस ब्यूटीफुल गर्ल्स फ्रॉम कोकराझर एवरीवन। यहाँ पे मुझे बताया गया है कि टेस्ट लेना है मुझे, और आप लोगों का ही लेना है, आप लोग आइए। सबको दिखाई दे रही है, मेरी बात सुनो यार, भाई साहब थोड़ा पीछे जाओ, आप सिर पे चढ़ रहे हैं जब से देख रहा हूँ मैं। हाँ। ये कुछ बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लड़कियाँ हैं, मैडम सामने देख लो, पीछे टीवी पे तो हर हफ्ते ही देखते हो, इधर आ जाओ, यहाँ पे इधर आओ, सब लोग यहाँ खड़े हो जाए, सबको दिखना मांगता है। आइए मैडम आप भी आइए। साड़ी के कलर को देखो,
आज आपको देख कर तो मेरा जिंदगी गदगद हो गया। हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, ओके। अभी मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे को आप साड़ी मत पहनाओ अभी, ओके। आप यहाँ खड़े हो जाइए मैडम, आप आ जाइए, आपका जिंदगी गदगद हो गया। आप भी आइए मैडम, आप भी आ जाओ। शादी किस किस की हुई है? आप दोनों का हो गया। कहाँ बैठे हैं जीजा जी? अच्छा, मेरे मेरे पोते मुझे छोड़ दिया। सारे मतलब एलिजिबल है आज है। ओहो, कोई बात नहीं, अब एक डॉक्टर आ गया है, आज तो मेरा नाटी लग गया है। ओके, एज ए डॉक्टर मैं आप लोगों का टेस्ट करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा है, यहाँ डिस्कवरी क्लब के मृणाल कांति जो है, उन्होंने मुझे कहा, जो प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने कहा कि आपको एक इनाम दिया जाएगा जो भी जीतेगा, बहुत मेगा प्राइज है। और हरीश्वर है जो सेक्रेटरी है, और विधान सरकार है ज्वाइंट सेक्रेटरी है, अनूप अग्रवाल है हमारे, देखो जी ब्रह्मा प्रसन्न जी, ब्रह्मा जी, देखो ये नाम लेने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि नहीं दूंगा तो उन्होंने मेरे को चेक नहीं देना चाहते। और ये ऑर्गेनाइजर ही बड़े अच्छे हैं, क्योंकि इनका चेक दो बार आता है, क्योंकि एक तो एक पहली बार खुद देते हैं, दूसरी बार इनको बैंक को वापस देता है जब ये बाउंस हो जाता है। ओके, अभी मैं आपका ये इनाम में करा रहा हूँ, मोबाइल कौन इनाम जीतेगा, और आप लोग दोस्तों डिसाइड करेंगे कि कौन ये इनाम जीतेगा। फोटो मारते हैं, ठीक है, एक टेस्ट होगा। तुम कैसे जीतेगा? मैं जीतूंगा, मुझ तुम्हारा आया नहीं है, तुम यहाँ जीतेगा। ओके, यहाँ पे सब लोग हम काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करेंगे। अभी आप यहाँ जज आप लोग हैं, आप लोग डिसाइड करेंगे, काउंटिंग करेंगे। आपसे शुरू करते हैं, शटर बारम मासो तो ठीक है, बोलो निको नहीं पूछी ना कुमार। वन टू, थोड़ा पीछे आ जाओ, ये चीख के मारता है वरना एपर्चर को ऐसे लग गया, आई उसको बड़े से लगा, कौन है एक्सपीरियंस नहीं है। 8 9 10 11 12 14 15 14 ऑटोमोबाइल दिया था तो है। आपने मुंह में कुछ दबाया हुआ है क्या?